फट गई सारी। और ये रही भाई बकरों की पुरानी जगह। तो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है 2 बजे शुरू हो रहा है। और सबसे पहले आज हमें ये काम करना है कि नहा धो के रेडी होना है, फिर उसके बाद करना है हमें नाश्ता। तो फटाफट से नहा धो के रेडी होते हैं, मगर पहले एक बात सुना दो भाई, 30% जो है ना वो सब्सक्राइब करने वाले हैं, वो हाँ करने वाले हैं, और 60% सब्सक्राइब करते ही नहीं है। क्यों भाई? अब भाई सब्सक्राइब तो करो, वीडियो देख रहे हो मुफ्त में और ऐसे ही निकल जा रहे हो। क्यों भाई क्यों फ्री में वीडियो देख के जा रहे हो? हैं सब्सक्राइब का बटन दबाओ, खड़ा हो मैं दबा दिया, अब लाइक का दबाओ, दबा दिया बस। हाँ बेल आइकन और शेयर भी कर दे रहा हूँ, कर दो, कोई तो जीता मरता होगा किसी को तो शेयर कर दो। तो चलो ना तो क्या रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं। तो फिलहाल ना तो क्या रेडी तो होगा, अब सबसे पहले काम यह है कि नमाज पढ़नी है हमें जोर की, फिर उसके बाद पढ़ना है नाश्ता। तो चलो जल्दी से जाके पढ़ते हैं नमाज। तो नमाज वगैरह तो मामा के नियम बाद में होती है, जब तक आपका भरा पेट नहीं होता तो नमाज नहीं होती, तो इसलिए हम पहले खाना खाएंगे फिर नमाज पढ़ेंगे। तो चलिए और अभी हम जा रहे हैं टेरेस की तरफ। और हाँ चकोर में मैंने नया कपड़ा भी लगा दिया है, आपको वो दिखाता हूँ। ये देखो नया कारपेट बिछा दिया है भाई, फुल एंजॉय में हुआ है। अब मौसम चेक करो भाई, ऐसे तो क्या व्यू होता है यार। ओहो जी, तो भैया जी का सीन ये है, मौसम वगैरह का आप लोगों ने देख लिया है, तो पिज़्ज़ा विज़ा खा लिया था मैंने और अंदर चलते हैं। बाहर आज बहुत गर्मी हो रही है, जब से बकराई गई है ना तब से गर्मी बहुत पड़ रही है। नहीं जी एक मिनट बंद कर दो, फिर बंद कर दिया, चलते अंदर। देखो फ्रिज में कुछ ठंडा वाला रखा है, कुछ भी छोड़ के बाहर आया था। और गली में पता नहीं क्या ट्रैफिक क्यों हो रहा है, और मौसम भी लग रहा है बारिश आ रही है, काले बदल आए हैं, तो देखते हैं बारिश आती है या नहीं आती है। तो टेरिस साइकिल में यहाँ के बैठ गया था, और अभी का सीन ये कि मैं जा रहा हूँ बकरों की पुरानी जगह आप लोग को दिखाने के लिए। तो चलो आप लोग को दिखाता हूँ मैं बकरों की पुरानी जगह, आप लोग भी काफ़ी टाइम से नहीं देखी होगी, आप चल के दिखाता हूँ। यार पहले हम उतरते थे बकरों को देने के लिए, घास देने के लिए, अब हम उनकी जगह दिखाने के लिए उतरते हैं। जब हम गर्दन बिल्ली चली जाती है, और बकरों की पुरानी जगह देख के कैसा लग रहा है पता नहीं, तो टाइम से गया नहीं। तो अभी लॉन की भी घास कट रही है सारी, लॉन की घास भी कट गई सारी। और ये रही भाई बकरों की पुरानी जगह। तो ये है बकरों की, गाय की खुली भी रखी है, यहाँ सारे लाइन से बकरे बंधे हुए कर आते हैं। हाय 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 यहाँ पे सब बैठे हुए, इसके पीछे चले आते थे यार, यहाँ पे बैठे हुए थे 1 2 3 4 और बाकी के 4 यहाँ साली खुले बंदे हो गए, और 2 इसके पीछे खड़े हुआ करते थे और 2 यहाँ होते थे। कैसे निकल गया टाइम पता ही नहीं चला, और जब यहाँ से भागते हुए जाते थे वो ऊपर चढ़ जाते थे, पूरा ये भी हिला दिए। तो घास कट के बिल्कुल फिट लग गई है,
जैसे कि आप लोग ने बकरों के पुरानी जगह पर देख ली, अब बकर को पानी चाहिए तो इनको पानी ला के दे देता, मांगा है ला के देना फर्ज है हमारा। उसके बाद की घर की मैंने कहाँ से दिखाते हैं तो आपको फर्जों का ख्याल रखो, तो चलते हो फटाफट से इनको पहले पानी ला के देते हैं। क्या दब जाती हैं भैया, ठंडा और इन्होंने ठंडा बोला था, क्या करूं ठंडा पानी आ सकू, ठंडा पानी तो अंकल कोल्ड ड्रिंक पिला। अंकल यार पानी ठंडा है नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी लो। पानी है नहीं ठंडा भाई। जैसे कि मैंने आप लोग को बकरों की पुरानी जगह तो दिखा दी है, और बस अब आप लोग को गाय की भी पुरानी जगह दिखाऊंगा। तो यार मैं तो ज्यादा देर वहां खड़ा ही नहीं पाया, सासू आने लग गए थे तो मैं इसलिए ऊपर आ गया। इतने दो महीने से मैंने बकरे पाले हुए थे तो उनके लिए तो फिर प्यार का लेवल कहाँ चले, और जो पूरा साल पालते हैं उनकी वो कहाँ होती होगी। मुझे तो हैरत होती है यार उन पर जो पूरा पूरा साल पाल के कुर्बानी करते हैं और जो पूरा साल पाल कर फिर बेच देते हैं, उनको कितना वो होता होगा। तो मुझे तो समझ नहीं आता भाई कैसे चलता है ये। हम तो खरीदते हैं तीन चार दिन पहले ला के काट देते हैं, वो लोग तो कितना कितना टाइम पहले, तो उन लोग को कितना वो होता होगा। बहुत मुश्किल वो है यार ये गेम सारा, मुझे तो बड़ा वो होता है भाई, साफ सी सीधी बात है। बस क्या करें, हाँ हम वो थोड़ा पहले चले गए, हम थोड़ा बाद जाएंगे, बस मैं तो यही बात कहता हूँ भाई। तो बस करते हैं, मैं थोड़ी देर यहीं पे लेट जाऊँगा और पानी वानी पी के बस थोड़ी देर यहीं पे लेट जाऊँगा। मेरी ना नाक से बहुत वो हो रहा है, मुझे लग रहा है खून आया, तो इसलिए आराम कर लेता हूँ और गोली खा लेता हूँ। तो यार अभी सो के तो उठ चुका हूँ, मामा को खाने का बोला, और ये देखो हर वक्त फ़ोन चलाती रहती है पता नहीं क्या। और मैंने मामा को बोल दिया किसका बिरयानी गरम कर देगा, तो बिरयानी आ रही है फिर खा। तो यार वो ज़रा सा मैंने अपने लिए एक थैली रखी थी बिरयानी की, मगर वो दावत वाली जब दावत में पकी थी ना वो देख वाली एक थैली रखी थी, आज गरम करवाई तबीयत सही हुई थी तो ख़राब हो गई, पता नहीं क्यों लाइक सारी बाट दी थी एक थैली रखी थी वो भी ख़राब हो गई। और इतना दिल कर रहा था बिरयानी खाने का, अभी भूख लग रही है, अब रात का खाना ही खाऊंगा। अभी तो रात का खाना भी हो रहा है, टाइम या 8 बज रहा है, रात के खाने में अपने पास ये गोश्त और ब्रेड, तो क्या करें बिरयानी तो ख़राब हो गई यही खाते हैं। अब वो तो गोश्त मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने कहा मामा वो हलवा कबाब रखे मैंने फ्रिज में तो वो गर्म कर दें, तो वो गर्म करनी है वो खाएं। तो गोश्त मैंने मामा को दे दिया, तो आज खाने में हमारे पास हलवा कबाब एंड रोटी और महानो का भी खाना लग गया, और साथ में जेठा ला रहे। वैसे तो कबाब में मिर्च है नहीं, मगर महानो को पता नहीं क्यों मिर्च लगनी है, एक्टिंग करके दिखानी है। अब देख सकते हैं रात का क्या टाइम हो रहा है, और अभी का सीन ये है कि हमें करना है व्लॉग को एंड। तो आज हम व्लॉग थोड़ा स्पेशल तरीके से एंड करेंगे। यार ये स्टैंड मेरे पास पड़ा रहता है, इसको इस्तेमाल नहीं करता, और अलग से इसको इस्तेमाल करने से तो वाइट वाइट आता है। इतना वाइड एंगल आता है, लगता है आप DSLR से शूट कर रहे हो। तो अब आप लोग कमेंट में बता, आप लोग कुछ बताते भी तो नहीं हो किससे बंदा क्या करे क्या नहीं करे, तो आप लोग बताना इससे व्लॉग करें या नहीं, कैसा लगता है इससे। तो चलो आपको इसी पे बाहर लेके चलते हैं। अरे मगर इससे तो हाथ में दर्द हो रहा है मेरा, पहली तबीयत से हाथ खराब है, और इससे तो व्लॉग करने मुश्किल होगी। ओए ये जल रहा है, शुक्र मैंने देख लिया ये, तो को लिटरली भाई पूरे घर में धुआं भर रहा था इससे। कोई और जगह पर रख दी, धुआं हो गया।
हाथ पे ना आ गया गरम तेल, यहाँ रख देना पूरे घर में दौड़। अब बहुत से क्लास लेता हूँ जिसने इसको रखा, मानू ने किया हो। वैसे मानू चूल्हे का काम करती तो नहीं है, तो किसने किया है? तुम रखी आई थी ये चूल्हे पे क्या तेल? नो एवर, उन्होंने तो नहीं किया था। और बड़ी वाली बहन ने किया था, मैंने कैमरा बंद करके सही की क्लास थी। तो चलो खैर गलतियाँ हो जाती हैं, तो फिलहाल मैं स्लो कहीं बैंड करता हूँ क्योंकि खाना वाना तो खा लिया, अब मैं भी सोऊंगा, फिर एडिटिंग भी करनी है, एडिटिंग में भी अच्छा खासा टाइम लग गया। तो फिलहाल मैं स्लो कहीं बैंड करता हूँ, आपको पसंद आओ पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।